Hello guys, welcome on Get Government Job YouTube channel. This is your friend Prabhat Kumar speaking. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यदि हम शुक्र जनन की बात करें तो यह एक स्पर्मेटोसाइट से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है, एक ओगोनिया से केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन की बात करें तो शुक्र जनन क्रिया में कोई भी ध्रुव कोशिका नहीं बनती है, जबकि अंड जनन कोशिका में दो या तीन ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। शुक्र जनन की बात करें तो स्पर्मेटोसाइट से बने चारों शुक्राणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं हम अंड जनन की बात करें तो ओगोनिया से बना अंडाणु निषेचन क्रिया में भाग ले सकता है, ध्रुव कोशिकाएं निषेचन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। वहीं हम शुक्र जनन की बात करें तो शुक्राणु छोटे एवं सक्रिय होते हैं, और अंड जनन की बात करें तो अंडाणु बड़े और निष्क्रिय होते हैं। तो ये हो गई दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।